Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ implantation discharge and period discharge के बारे में. यानी period date से पहले जब महिलाओं का period discharge निकलता है, ये कब से निकलता है, कितने दिन पहले से निकलता है, कैसा निकलता है, क्यों निकलता है और कैसे आप period date से पहले ये पता कर सकते हैं कि आपका period आने का discharge निकल रहा है या आपका implantation सफल होने का डिस्चार्ज है. दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं, ये आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ. क्योंकि गाइस, जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो हर महिला को ये लगा रहता है कि इस महीने मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है. उसके लिए आप अपनी बॉडी के लक्षणों को तो नोटिस कीजिए ही कीजिए, बट साथ में जो डिस्चार्ज की मैं बात कर रही हूँ ये अधिकतर महिलाओं में दिखाई देता है प्रेग्नेंट होने में, चाहे आपको पीरियड आने वाली हो या आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ हो. ये बहुत ही ऑथेंटिक साइन है जिससे आप बहुत आसानी से अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये समझिए कि महिलाओं में डिस्चार्ज निकलता क्यों है. देखिए, डिस्चार्ज मेनली सर्विक्स सिक्रीट करता है और जब जैसे जैसे सर्विक्स की पोजिशन चेंज होती है वैसे वैसे महिलाओं का डिस्चार्ज जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी क्वालिटी भी चेंज होती है और साथ में हार्मोन फ्लक्चुएशन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से भी जब सर्विक्स सिक्रीट करता है डिस्चार्ज, वो आपको पूरी पीरियड साइकिल में अलग अलग तरीके का दिखाई देता है. तो ओविलेशन के बाद अगर महिलाओं को पीरियड आने वाली होती है, देखिए ओविलेशन के बाद नॉर्मली महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है. अगर ओविलेशन के टाइम स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिल पाए हैं किसी भी वजह से, यानी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओविलेशन के लाइक 5-6 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है. तो आपको दिखेगा पीरियड आने से 4-5 दिन पहले से जो आपका डिस्चार्ज है वो ड्राई निकल रहा है, स्टिकी निकल रहा है, और पीरियड आने से पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज भी दिख सकता है जो साइन है कि आपकी यूट्रस में पुराना ब्लड रुका हुआ था जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो चुका है. ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका ब्राउन कलर निकल रहा है. यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आपको ब्राउन कलर निकल रहा है तो आपको प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं. अगर ब्राउन डिस्चार्ज निकलने के बाद आपको नॉर्मल पीरियड का ब्लड फ्लो आ जाता है तो वो पीरियड आने का साइन है. बट जो नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज होता है महिलाओं का पीरियड आने से पहले, वो ड्राई और स्टिकी निकलता है, बिल्कुल सूखा निकलेगा या स्टिकी निकल सकता है, या कई महिलाओं का तो निकलता ही नहीं है, ऐसा मॉइस्चर टाइप निकलता है. ये 101% साइन है कि इस महीने आपका इम्प्लांटेशन सफल नहीं हुआ है, इस महीने आपको पीरियड ही आएगा. और अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी 7 ही दिन का टाइम लगता है, तो ये वही टाइम होता है जिस टाइम महिलाओं को अपने डिस्चार्ज में बदलाव दिखाई दे सकता है. तो इसी टाइम महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है. और इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रिन लाइनिंग में चिपक गया है. तो नॉर्मली जो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम कर रहा था, अगर एक हफ्ते के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती तो इस टाइम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो महिलाओं का वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें बदलाव होते हैं इम्प्लांटेशन सफल होने के टाइम पे. क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज तो आपको पहले से ही निकलता है, उसमें हल्के से चेंजेस आपको देख सकते हैं जब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है. तो जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो सबसे पहले महिलाओं का ऐसा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकल सकता है. ये नहीं है कि ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है तो पूरा दिन भर आपका ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलेगा, ऐसा नहीं है. आपको नॉर्मली जो वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, वजाइनल डिस्चार्ज प्रेग्नेंट होने में हमेशा गीला निकलेगा, कभी भी सूखा नहीं लगता है, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा. और उसी डिस्चार्ज में आपको ऐसा ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, पिंकिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, या नॉर्मली भी आपका ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकल सकता है. तो ये डिस्चार्ज आपका ऑन एंड ऑफ निकलता है और साथ में इस डिस्चार्ज में ऐसा कोई स्मेल नहीं होती है. अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज के साथ ब्राउन स्पॉटिंग नहीं दिख रही है, ब्राउन डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है, तो आपको ब्राउन कलर का स्पॉटिंग यानी कुछ बूंदे अपनी पैंटी में भी दिखाई दे सकती है, जो बिल्कुल नॉर्मल साइन है. आपको ये नहीं सोचना आपको पीरियड आ गया, ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है. और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इवन पैड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इस तरीके का अगर आपका डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने को दर्शाता है. और जो वजाइनल डिस्चार्ज में चेंजेस आपको दिखते हैं ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको दिखाई देते हैं, बट जो ब्राउन डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन सफल होने के टाइम दिखाई देता है वो सिर्फ 2-3 दिन तक लगा रहता है. और उस डिस्चार्ज के साथ आपको हल्का सा नाभि के नीचे
पेन भी हो सकता है और वो पेन आपका नाभि के नीचे से लेके आपके कमर में पैल्विक एरिया में भी फील होने लग जाता है और कुछ महिलाओं को इवन इनर थाइज में भी फील होने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, ज़्यादा तेज दर्द होता ही नहीं है इम्प्लांटेशन सफल होने में। अगर इस तरीके के चेंजेस और इस तरीके का डिस्चार्ज आपका पीरियड से पहले निकल रहा है तो ये आपका इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है, यानी ये दर्शाता है कि एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रल लाइनिंग में चिपक चुका है और आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। अभी आपको प्रेगनेंसी केयर करनी है ताकि आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को बहुत आसानी से सस्टेन कर पाए। एंड यही है आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।